नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो 7 लक्षण जो कि हमारी बॉडी हमें देती है जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी खराब हो रही होती है। किडनी खराब होना, किडनी फेलियर एक साइलेंट बीमारी माना जाता है, यानी इसमें जो लक्षण पैदा होते हैं शुरुआती दौर पर वो इतने आम होते हैं कि किसी डॉक्टर के लिए पहचान पाना या फिर किसी पेशेंट के लिए पहचान पाना कि किडनी खराब हो रही है ये बहुत मुश्किल काम होता है। मगर अगर हम सही तरीके से अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, उन लक्षणों को टाइम से पकड़ लेते हैं तो बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है, और अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है तो उस पर काम करना डॉक्टर के लिए भी आसान होता है और पेशेंट के लिए भी अच्छा रहता है। अब किडनी फेलियर को समझने की कोशिश करते हैं कि किडनी फेलियर में क्या हो रहा है और क्यों वो लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो रहा है। तो पहला लक्षण होता है यूरिन में प्रोटीन का आना, यानी जब आप पेशाब करेंगे तो पेशाब जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी झाग बनती है। ये झाग इसलिए बननी है क्योंकि आपके यूरिन में प्रोटीन है। यूरिन में प्रोटीन होना एबनॉर्मल होता है, कभी भी नॉर्मल नहीं होता, और इसी वजह से यूरिन में झाग होना भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप यूरिन करते हैं और देखते हैं बहुत सारी झाग बन रही है, यूरिन गदला सा आ रहा है, डस्टी सा आ रहा है, यानी आपके यूरिन में प्रोटीन हो सकता है। ज़रूरत है टेस्ट की, लैब में जाइए टेस्ट करवाइए, और जब आप अपने यूरिन में रिपोर्ट में देखते हैं कि उसमें प्रोटीन आ रहा है, चाहे वो ट्रेसिस में ही क्यों ना हो, यानी आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यूरिन में प्रोटीन आ क्यों रहा है। तो जो सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिला वो है यूरिन में झाग का, यूरिन में प्रोटीन का। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण जो किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में आता है वो है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर का। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो हाई बना रहता है, तो ज़रूरत है एक बार आपको अपनी किडनी को टेस्ट करवाने की, KFT टेस्ट करवाने की, यूरिन का टेस्ट करवाने की, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन दिक्कत है। अब हाई ब्लड प्रेशर है, हमें लगता है कि ये हमारे हार्ट की वजह से हो रहा है या हम नमक ज़्यादा खा रहे हैं, मगर हाई ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर में भी देखने को मिलता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को कभी भी हमने आम तरीके से नहीं लेना होता, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की दिक्कत नहीं भी है, तो कोई और दिक्कत हमें आ सकती है। तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण होता है वीकनेस का। अब आपके शरीर में किडनी काम नहीं कर रही, गंदगी शरीर से बाहर नहीं जा रही, जो ये गंदगी हमारे खून में बनी हुई है, ये तीसरा सबसे बड़ा लक्षण पैदा करती है, वो है कमज़ोरी का। आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको थकावट महसूस हो रही है, काम करने का आपका मन नहीं करा, ये जो लक्षण है ये किडनी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपका ब्लड गंदा है और गंदा ब्लड जब हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो किसी भी काम को सही तरीके से करने की ताकत हमें नहीं मिल पाती, और इसलिए हमें वीकनेस महसूस होती है। तो वीकनेस को भी हम आम तरीके से नहीं लेते। अगर आपकी वीकनेस बार बार आ रही है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी नहीं जा रही, खाना पीना आप अच्छे तरीके से खा रहे हैं, फिर भी कमज़ोरी बनी हुई है, तो ज़रूरी हो जाता है कि एक बार अपने होल बॉडी चेकअप करवा लेना कि ये देखा जाए कि कमज़ोरी किस कारण से शरीर में पैदा हो रही है, और किडनी फेलियर उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब चलते हैं चौथे सबसे बड़े कारण में, वो है स्किन की में खुजली होना, स्किन में इचिंग होना। अब स्किन में इचिंग होती है तो हमें लगता है कोई खुजली हो रही, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और अक्सर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डॉक्टर अक्सर कोई किसी न किसी टाइप की हमें एंटी इचिंग एंटा हिस्टेमिक मेडिसिन दे देता है, मगर हम क्या देखते हैं कि वो खुजली ठीक नहीं हो रही, ना उसमें किसी टाइप का आराम हो रहा है, क्योंकि ये जो खुजली है ये आपके ब्लड के साफ ना होने की वजह से हो रहा है। जब किडनी काम नहीं कर रही, गंदगी बाहर नहीं जा रही, गंदगी ब्लड में बनी हुई है, और ये गंदा खून जब आपकी स्किन तक जाता है तो स्किन उसको इरिटेट होती है और हमें सिम्टम क्या देती है, खुजली। तो खुजली को, ऐसी खुजली जिसमें किसी भी दवाई से आराम ना आ रहो, वो किडनी की वजह से हो सकता है। तो ज़रूरी है सही टाइम पे अपना एक बार होल बॉडी चेकअप करवाना, जिसमें KFT इंक्लूडेड होना चाहिए, यूरिन का टेस्ट होना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको किसी टाइप की स्किन की एलर्जी है तो उसको हल्के में ना लें, एक बार छोटा सा टेस्ट किडनी का ज़रूर करवाएं। अगर बीमारी होगी तो पकड़ में आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्किन की ही दिक्कत है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ कारण के ऊपर, वो है खून की कमी। अब खून की कमी का और किडनी से क्या रिलेशनशिप है उसको समझना ज़रूरी है। जब आपकी किडनी को किसी टाइप का नुकसान होना शुरू होता है तो किडनी की कारण से ही खून की कमी शरीर में देखने को मिलती है, क्योंकि किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बना रही होती है, खून को बनाने वाली, वो है एरिथ्रोपोइटिन।
एरिथ्रोपोएटिन की कमी, जब किडनी खराब हो रही है तो एरिथ्रोपोएटिन की कमी शरीर में हो जाती है, खून बनने में दिक्कत आती है, जबकि आप खाना अच्छे से खा रहे हैं। तो जब खून की कमी है तो थकावट होना, शरीर का फीका फीका नज़र आना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं कि कोई आपको देख रहा कह रहा है आपका रंग बहुत उतरा हुआ है या बहुत फीके फीके लग रहे हो, तो ये किडनी की वजह से भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर आप एनीमिक हो, खून की कमी है, चलते फिरते आप थोड़ा सा चलते हैं, सांस फूल जाती है, तो ये खून की कमी किडनी की वजह से भी हो सकती है। तो ज़रूरी है अपना किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाना, KFT ज़रूर करवाना और यूरिन का टेस्ट ज़रूर करवाना। इससे हमें पता लग जाता है, टाइम से पता लग जाता है कि किडनी की दिक्कत चल रही है। अब चलते हैं अपने 6 सिम्टम के ऊपर, वो है स्वेलिंग, एडिमा। कहाँ पर? पैरों में। अगर आपको अपने पैरों में सूजन देखने को मिलती है और खासकर दोनों पैरों में सूजन देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे कारण आपकी किडनी का खराब काम होना भी हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन को बनाना। यूरिन को बनाते समय बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, किडनी उसको शरीर से बाहर कर देती है। मगर अगर आपकी किडनी ही खराब हो रही हो तो ये पानी यूरिन की फॉर्म में बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो क्या होगा उसका? वो शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। और कहाँ इकट्ठा होगा? पैरों के आसपास। तो अगर आपको अपने पैरों में सूजन देखने को मिल रही है, एडिमा देखने को मिल रहा है, तो कारण उसके पीछे किडनी भी हो सकता है। तो अगर आपको पैर लटकाने पे, लंबे खड़े रहने पे पैरों के आसपास सूजन देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे कारण आपकी किडनी का कम काम करना भी हो सकता है। तो ज़रूरी हो जाता है ऐसे केसेस के अंदर एक बार किडनी फेलियर का जो कि वो KFT टेस्ट है, वो ज़रूर करवाएं। अब चलते हैं अपने लास्ट सिम्टम के ऊपर, और वो है मसल क्रैम्पिंग। हम सो के उठते हैं, हमें बड़ी ऐठन सी महसूस होती है, शरीर में अकड़न सी महसूस होती है। ये जो ऐठन है, अगर आपको पूरा दिन बनी रहे, तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि आपकी किडनी का कम काम करना। क्योंकि किडनी क्या करती है? गंदगी को बाहर निकालती है। अब जब किडनी कम काम कर रही है, तो गंदगी शरीर से बाहर जाएगी? नहीं जाएगी, शरीर में बनी रहेगी। जिस तरह से वो आपकी स्किन में सिम्टम दे रही थी, इसी तरह से वो आपको मसल्स में भी सिम्टम दे सकती है कि मसल्स में थकावट बनी रहती है, ऐठन बनी रहती है, क्रैम्पिंग होती रहती है, आपकी मांसपेशियां बार बार आपको दर्द देती रहती है, और खासकर आपकी पैरों की, क्योंकि पैर की जो मांसपेशियां होती हैं आपके शरीर के पूरा शरीर का वजन संभालती हैं, तो उसमें सिम्टम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कमर में थकावट हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि कमर भी हमारे पूरे शरीर का वजन संभालती है। तो अगर आपको जगह जगह दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ऐठन महसूस हो रही है, तो पीछे कारण किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो अगर हम सारे सिम्टम के बारे में बात करें, तो ये इतने कॉमन सिम्टम हैं जो कि हर किसी को देखने को मिल जाते हैं। मगर इन सिम्टम को देखकर ये जज करना कि आपकी किडनी खराब हो रही है, इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़े आम हैं। आपको थकावट होगी तो आप ताकत की गोली खाएंगे, खून की कमी है तो आप खून को बढ़ाने वाली आयरन की टैबलेट लेंगे, है ना। अगर आपको कहीं पर क्रैम्पिंग हो रही है तो आप वहाँ पर सिकाई करेंगे। हम इसी गलतियों में अब बीमारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि ये किडनी के ख़राब होने की वजह से हो रहा है, इसलिए बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको ये लक्षण पता है और आपको ये महसूस हो रहे हैं, तो ज़रूरी है टेस्ट करवाएंगे, बीमारी की पकड़ टाइम पर हो पाएगी और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, लक्षणों को समझ गए। तो आज अगर आपने ये वीडियो देखी है, तो एक बार आपने बस ये चेक करना है कि ये सिम्टम मेरे शरीर में है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एक भी सिम्टम ऐसा है, एक से एक भी ऐसा लक्षण आपको नज़र आ रहा है, तो एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाइए, एक बार अपना KFT ज़रूर करवाइए, कि श्योर हो सके कि आपको किडनी फेलियर की दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।